और गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिपुरा का क्लीनेस्ट विलेज वांगमून, क्या कहते हैं वांगमून। और अभी हम लोग है क्लीनेस्ट विलेज ऑफ त्रिपुरा वांगमून में, और ये देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ त्रिपुरा। और अभी हम लोग यहाँ आपको एक्सप्लोर करेंगे क्लीनेस्ट विलेज को, कितना क्लीन है, कैसा है। क्लीनेस्ट विलेज पहुँच चुके हैं और सामने देख सकते हैं वो जो है पूरा कीप योर विलेज क्लीन, और इसको त्रिपुरा गवर्नमेंट ने भी क्लीनेस्ट विलेज का रिकॉग्निशन दिया हुआ है। और ये जो विलेज है इसके पॉपुलेशन मैक्सिमम ये क्रिश्चियन है। और यहाँ पे एक अच्छा सा खूबसूरत सा चर्च भी था जो अभी क्लोज्ड है। उसका टाइमिंग होता है क्या चर्च का टाइम संडे में होगा, कल होगा चर्च, बड़ा चर्च okay. सब आके चर्च में घुसेगा। अच्छा, वो केवल संडे को दिन भर खुला रहता है या वो भी टाइम दिन में? तो 10 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड भी लिखा हुआ है, जैसे क्रिश्चियन में लिखते हैं गॉड वर्ड्स लाइफ फॉर ऑल, उस तरीके। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे लोग खेल रहे हैं, बच्चों का प्ले ग्राउंड है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं साफ सफाई पर कितना ध्यान दे रहे हैं। काफी खूबसूरत सा गार्डन वगैरह भी बना रखा है। और ये देख सकते हैं क्लीनेस्ट विलेज का एक चर्च, वो भी काफी खूबसूरत सा है। और ये डस्टबिन का काफी यूनिक डस्टबिन है, और यहाँ पे सच में लोग डस्टबिन में फेंकते हैं। तो ये था हमारा क्लीनेस्ट विलेज ऑफ त्रिपुरा का टूर। और यहाँ पे जो पीछे है चर्च, वो भी काफ़ी खूबसूरत सा बना हुआ है, और यहाँ से आपको काफ़ी यूनिक व्यू भी मिलेगा। जैसे जब कोकोनट प्लांटेशन, और उधर कटहल का भी पेड़ है कुछ। और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियन है, और यहाँ पे एक चर्च भी है जो संडे को ओपन रहता है, आज बंद है। और कुछ खास बात इस प्लेस के बारे में बताइए। और यहाँ पे जगह जगह पे डस्टबिन भी लगा हुआ मिलेगा। वो क्या स्मोकिंग एरिया अलग से है? अच्छा, यहाँ पे कहीं पे पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, उसका अलग जो नहीं बना हुआ है। कोकोनट छोटा छोटा भी फड़ा हुआ है। तो ये था इस विलेज का टूर। यहाँ पे भी आ रहे हैं लोग, बीजो लोग, पपाया। अच्छा, ये कुछ मीजो लोग ही होंगे ना जो नदी के इस पार है। मिजोरम अभी तो दूर से ही देखना पड़ रहा है, किसी दिन जाएंगे मिजोरम, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। स्पेशल बात यह है कि काफ़ी अच्छे से ये लिखा हुआ है नोटिस में कि ये इधर जाना है, इधर जाना है। ये इनका बस स्टैंड वो भी अच्छा बना हुआ है, और डायरेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे से बोर्ड बना रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ मिजो कम्युनिटी भी है,
और यहाँ पे एक और दुकान है, ये भी काफी खूबसूरत बना रखा है। यहाँ पे भी एक चर्च है और मार्केट सेंटर है इधर और मेडिकल सेंटर। और ये लोग सामान कहाँ से? धर्मनगर तरफ से लाते हैं, कंचनपुर धर्मनगर। तो यहाँ तक जो है सामान वगैरह लाते लाके बेचते सारा धर्मनगर या कंचनपुर। कंचनपुर भी काफी बड़ा